लोगों की कचहरी, लोगों का न्याय, लोगों की अदालत लोकतंत्र च सब तो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते लोगों को आसा ने भी वह सज़ा दूगा ही दूगा, पर जिहड़ी लोगों की सज़ा ना वह रोलू इन्हां किहड़ियां कुरबानियां, दो बसा तो थोड़ियां 2000 बसा हो गई, यह कुरबानी है। जदों थोड़ी सरकार आउंदी है थोड़ा 5-स्टार होटल बनता है, यह कुरबानी है। अज इन्हां नूं पता लगेगा क्योंकि इन्हां दे पर्दे फाश हो गए, इन्हां दा इन्हां दी जिहड़ी असलीयत है वह लोगों के सामने आ गई है। ते लोकां ने इंसाफ किया, 13 सीटां ने अज कि कोई भी जिहड़ा प्रोब हुंदा है वह टाइम बाउंड होना चाहिए। इहदा जवाब दिओ, एक तुसीं सौदा किया कि नहीं किया उहदा जवाब दिओ, दो थोड़े कहण दे उत्ते पुलिस आके उत्थे गुरसिखां दे उत्ते जुल्म करदी है कि नहीं करदी, तिन जवाब दे इहदा। तू ना इधर उधर की बात कर सुखे, बता के कारवां क्यों लुटा, बता के गोलियां क्यों चली, बता के जाने क्यों गई। मैं ये कहना कि पंजाब दे मूहरे सब तो बड़ा सवाल यह है कि कदों उन्हां दोषियों दे सज़ा होंदी और की वो डेटरेंट होंदी है कि अगे नूं कोई अहिजा जघन्य अपराध करन दी सोचे ना, कि वो ऐसी सज़ा होंदी है। कोई होवे, मैं कहना वड्डा होवे छोटा होवे उच्चा होवे नीवा होवे कोई होवे, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो उच्चा नहीं। अगर कोई जमीन फाड़ के आवाज आती है कि गुरु साहब की बेअदबी के जड़े दोषी ने उन्होंने ऐसी सख्त तो सख्त सजा मिले कि पीढ़ी दर पीढ़ी कंबे कि ऐसा जघन्य अपराध सोचे भी ना। सब तो वड्डा मुद्दा यह है, इस दायरे च खड़ा है पंजाब, आस नाल वेखदा है, विश्वास नाल वेखदा है। और की वेखदा है कि भाई जिन्हां लोगों नूं असीं वोटां पाईआं न्याय लई इंसाफ लई, कि सानूं उह इंसाफ मिलेगा? अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मनफी कर दीए असीं अपनियां जिंदगियां दे विचों, ते साडियां जिंदगियां च बचदा की है? कख नहीं बचदा। इह उह चानण मारा है, उह सूरज है जिहदे इर्द गिर्द साडियां जिंदगियां घुमदियां ने। इह आपसी भाईचारे दा प्रतीक है, ये प्यार मुहब्बत का प्रतीक है, ये जोड़न का प्रतीक है। तो कोई साढ़े उस गुरु नू जिदे लड़ सानू दशमेश पातशाह ने लाया, तो जिन्होंने उदी बेअदबी की। मैं सब तो पहला सवाल पूछदा सरदार बादल नू भी, की सरदार बादल मनदा है, की वह मनदा है या नहीं कि डेरा प्रेमिया ने यह गुनाह किया। ये जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट यह कहती है तथ कढ के भी ये जघन्य अपराध, ये गुनाह जड़ा हैगा ये उन्होंने किया प्रूफ देते। जे इन्होंने कोई काउंटर है, जे ये खिलाफ इन्हों के मन के कुछ है तो सामने आन, मैनू बुला लैन, जाकड़ साहब नू बुला लैन, सुखी भाजी नू बुला लैन, तो देन काउंटर, काउंटर देन। जोरा सिंह कमिशन की रिपोर्ट इन्हों की आपदी बनाई हुई जिहड़ी कहती है कि बैठे सिखां दे गोलियां मारियां इन्होंने। देखो ये अज गल करन डए है फिरकू ताकतां दी, ये गल करन डए है जी आपसी भाईचारे नूं बनाउण दी। बादल नूं पुछ भी किहड़े हिंदू ने थोड़ा विरोध किया, थोड़ा विरोध सिख कौम कर रही है। इत्थे कोई ना हिंदू ना मुसलमान, साडा असी सारे एक हाँ। तुहानू इस वक्त अगर यही गल नहीं समझ आउंदी वी तुहाडा विरोध कित्थों हो रहा है, ते तुसी लोकां दा फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई फिरकू नहीं इत्थे, कोई ISI नहीं, विरोध तुहाडा सिख कौम कर रही है, और किस कारण कर रही है तुसी जानदे हो। डायर ने ऑर्डर दिता सी, गोलियां किसी होर ने चलाईयां सी, इतिहास की दा ना रिकॉर्ड करदा, जिम्मेवार किनू मनदा? ते दायर ये नरेणू की आत्मा जिहड़ी आई है इन्हां च, हाँ जी, ये मसंदा की जिहड़ी आत्मा आई है इन्हां च, ये सारे जग जाहर है।
इहदे च कोई मतलब कोई डाउट नहीं है, ते जे कोई काउंटर है ते आउण सामने एक कहण भी मतलब मैं डेटा दे रहा 2007 दे विच गुरु साहब का स्वांग किया डेरा साहब ते उदू बाद उहदे ते मुकदमा FIR दर्ज हुई। 2009 च हरसिमरदी इलैक्शन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2012 तो पहला 3 दिन पहला कैंसलेशन मंगी FIR दी। एक केड़ी सरकार सी, एक क्यों होया, एक की डेरा प्रेम है या वोटां दे लई गोड्यां च बैठे हो कि तुसी तनखैया डिकलेयर किते हुए बंदे दे गोड्यां च बैठे हो कि तुसी उस अकाल तख्त जी दा आदि अनंत जी तो उत्ते कोई नहीं उहदा हुक्म नहीं मनते कि उहदे हुक्मनामे दे खिलाफ हो तुसी, ते दसो भी तुसी कैंसलेशन क्यों मंगी, दसो भी 2007 तो लैके 2014 तक तुसी चार्जशीट क्यों नहीं फ्रेम की, दसो कि थोड़ी पुलिस ने जाके उत्थे क्यों कहा कि इत्थे ते जी गवाह ही नहीं सी, ते गवाह कहिंदा मैं सी हां जी। ये प्रमाण ने इन्हां दे डेरा प्रेम दे, ये प्रमाण ने इन्हां दे कि ये सोशल इंजीनियरिंग करदे सी, ये सोचदे सी भी हरियाणे च जिहड़ी पार्टी 4 तो 40 हो गई ते असीं भी 40 तो इत्थे 80 होईए, ते अज बाबा 5 दिनां बाद उठ के आ गया, नहीं ते कहिंदा सी मैं बीमार हाँ, नहीं तो उत्थे विधान सभा दे विच भी बाहरों ही हाजरी ला के भज गया। इहनूं पता है, ये देखूगा, ये अपने सामने तित्तर बित्तर हुंदा देखू सारा कुछ। एक करमा ने इहदा पिछा नहीं छड्डना, इहने जो बीजिया उहने इहदा पिछा नहीं छड्डना, मैं अगे आउणा। इहनूं इह पुछो, इह ते इक पासा है ना, इहनूं इह पुछो भी भाई तैं अकाल तख्त दे जथेदार साहब अपने घरे समन कीते कि नहीं कीते, तैनूं किहने दित्ती इह ताकत कि तू अकाल तख्त दे जथेदार साहब नूं अपने घरे बुलावें। फिर हिंदी दे विच लिखी हुई चिट्ठी क्या वह उत्थे आया, उन्हें अपने हाथों नाल चिट्ठी लिखी है, हिंदी च लिखी हुई चिट्ठी पंजाबी च किवें हो गई, तुसी ओ उस तनखैया डिकलेयर किते बंदे नूं माफी किवें दवाती, वो MSG फिल्म किवें रिलीज हो गई। ये सियासतदान थोड़ा नहीं, ये सौदागर ने, सौदागर जिहदे नाल जिहदे नाल पंथ ने रोटी बेटी की सांझ ना रखण नूं कहा सी, उहदे नाल इन्हां ने नोटां ते वोटां दी सांझ रखी। ये इन्हां दे इखलाक ने, आओ दसो, ये तुहाडे सामने है, ये रिपोर्ट दे विच है। ते फिर तुसी मैनूं इक गल दसो, अकाल तख्त दे जथेदार साहब तुहाडे लिफाफियां चों निकलणगे, तुसी तलब करोगे उहनां नूं, तुसी धर्म की बोली लाओगे, तुसी धर्म तो उच्चे होगे, तुसी तनखैया करार दिते हुए लोकां नूं अकाल तख्त साहब तो दबा पा के माफी दवाओगे वोटां खातर नोटां खातर। किस तरह वो MSG फिल्म रिलीज हुई और एक हफ्ते च उन्हें 104 करोड़ रुपये कमाए कि नहीं कमाए, ये सवाल ने अज सिख कौम दे अगे। ते ए फिरकू कह के ए मतलब पिछा ना छड़ा, बाबा जी ये तेरा पिछा नहीं छुटना हुण, क्योंकि ये तेरी कौम जिहदे सिर दे उत्ते 40 साल तैं राज कीता ये तेरे अगे खड़े आ, ये ते तू सवाल करदे ते तू किसे सवाल का उत्तर नहीं दिता जांदा। किहड़ियां कुर्बानियां, 2 बसां तो थोड़ियां 2000 बसां हो गईआं, ये कुर्बानी है। जदों थोड़ी सरकार आउंदी है थोड़ा 5-स्टार होटल बनता है, ये कुर्बानी है। हैं एसेट देखो इन्हां दे, ये धंधा करन वाले बिजनेसमैन हैं, अज इन्हां नूं पता लगूगा, क्योंकि इन्हां दे पर्दे फाश हो गए है, इन्हां दा इन्हां दी जिहड़ी असलीयत है वो लोगों के सामने आ गई है। तो लोगों ने इंसाफ किया, 13 सीटा ने अज, तो ये जो हुण ये रिपोर्टा निकलिया ने तो इन्हों का सच लोगों के सामने आया, 13 भी नहीं रहनिया। लोगों की कचहरी, लोगों का न्याय, लोगों की अदालत लोकतंत्र च सब तो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते लोगों नूं आसा ने भी वह सज़ा दऊगा ही दऊगा, पर जिहड़ी लोगों की सज़ा ना वो रोलू इन्हां नूं।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਸਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੂੜ ਚੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ 1.5-2 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਸੀਹੇ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ? ਆਹ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, DIG, IG, SSP ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਿੱਚਾ ਤਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਤਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਸਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਾਂ ਪਾੜਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਲਾਓ ਕੁਰਸੀ ਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ, ਆਓ ਆਓ, ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਚੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, 2009 ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ 2000 ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤਿੰਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਦਾ। ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਸੁੱਖੇ, ਬਤਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਂ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਾ, ਬਤਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀ, ਬਤਾ ਕੇ ਜਾਨੇ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ISI ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਬਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਗੋਲੀ ਚਲੀ, ਬਤਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਦੱਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਕੀ ਉਹ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ,
ते जिन्हें उस गुरु की बेअदबी की है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें कटघरे च खड़ा करके नंगिया करके सजा याफ्ता करना चाहिए। ये पंजाब की सब तो वड्डी आवाज है जिन्होंने कहने जमीन फाड़ के आती है। एक मिनट, अकाली दल ये दसे भी 78 सीटा थोन धक्केबाजी हुई सी, ये रोंडी बच्चे होंगे ने, रोंडी बच्चे देखे रोंडी, इन रोंडी पींदे कहिंदे रोतड़ू भी मैं नहीं खेडना मैं भजना है, ये रोंडी बच्चे है। इनू पुछो कि तू क्यों भजया विधानसभा जिते सिद्धू ने तेनू कहा सी ना कि मां का पुत है तो भजी ना, कि तू पिट्ठ विखा के भजया होए क्यों, कि तेरे को सच सुन की ताकत नहीं सी, कि तेनू लोगों ने कादे वास्ते भेजा सी भजन वास्ते जां अपना डब्बू हल्किया डब्बू बहु बहु करन वास्ते, उत्थे विधानसभा च भेजा सी तेनू, ते खड़दा सिद्धू दे मूहरे विधानसभा दे विच भज्जिया क्यों तू, फिर तू शाहकोट दा इलैक्शन हारिया तू कहिंदा असीं जित्तांगे, फिर तू मुनसिपैलिटियां दा इलैक्शन हारिया, हर थां दे उत्ते तुहाडे नाल ही होई जांदा, फिर तू 2 लाख वोटां दे उत्ते जिवें बिल्ला छपड़ी चों नहा के निकलदा फटर फटर करके, तू 2 लाख वोटां ते इत्थों हार के निकलिया, ते तैनूं जवाब नहीं मिले हले ओए, ग्रीस ला के चांटे मारे लोगों ने थोड़े, देखिए ना ग्रीस, ग्रीस जो लाता ना मूह के उत्तर ठपाक देने वजदा जो, तो ग्रीस उत्तर दी नहीं साबण ला ला धोई जाओ कि थोड़े ग्रीस ला ला चांटे बचे। मैं क्या ये हंकार भरे लोग होंगे है जिहड़े कहिंदे जी मैं रिजल्ट दस दूंगा, रिजल्ट लोग दसणगे मित्रा, ताकत लोगों की कोई होमा नहीं कोई हंकार नहीं, ताकत लोगों की सरकार लोगों के वास्ते, ये मित्रा तेनों लोग दसणगे जो पूछा थले पा के भजे ना, ये सुखबीर ने की कहना मैं एक गल सुन, एक मिनट सुन ठहर एक मिनट मैं जवाब देना जो पिछली बार ये हरियाणे च गया यही कहता सी, मैं की कहा सी पले ना तेल ना कढ़ाई बना चलिया मिठाई, मैं कहा सी ना तिना च ना तेरह च ना टोकरे वाले बेर च ना पलेर च ना सफेर च, तेनों 2 सीटा नहीं आदि हो तू पंजाब च तो तू 13 ते रह गया है, तो हरियाणे की गल करदा तो यूपी च भजदा, थोनू अली बाबा 40 चोर नू सारे पछाण गए, थोनू सारे पछाण गए मित्रा, होर दसो कुछ रह गई, एक मिनट मेरी गल सुन लो जी, बड़े ध्यान ना सुन लो, मैं कहना तुझे मैं जवाब दूं ना गल मुका ना, मैं गल जवाब दूंगा, वेखो ये लांघा पाकिस्तान 4 किलोमीटर सारा पाकिस्तान, ये रस्ता सारा पाकिस्तान, ठीक है जी, ये कदे नहीं होया पिछले 60 सालों चों के पाकिस्तान दे इनफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर दे कहण दे उत्ते एड्डी वड्डी स्टेटमेंट दित्ती होवे, अज फिर स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर उत्थे गए, वाजपेई साहब गए, करगिल हो गया कोई आवाज नहीं आई उधरों पाकिस्तान वालों किसी की, उदों बाद मोदी साहब गए तो पठानकोट हो गया ISI किसी की आवाज नहीं आई, तो एक छोटा जिहा सिद्धू गया अमन अमान प्रेम मुहब्बत, तो महाराज उतों आवाज नहीं आई, लखां आवाजा आई, उतों के प्राइम मिनिस्टर की आवाज आई, उहदा ट्वीट आया, उतों के इनफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी आवाज आई, तो मैं इन्नी पुछदा हाथ बन के विनती करदा भी भाई जदों आवाज आई दरवाजे ते दस्तक आई, एक अवसर आया एक मौका आया, वह तो मीला मील तुर गए, साढ़े 4 मील नहीं अगे भी मीला मील तुर गए, इंडियन गवर्नमेंट का हले सुनेहा डीक नहीं, मेरी गल सुन कोई क्रेडिट सब का क्रेडिट, मैं कहना सारे दुआवां सब दियां अरदासां मेरे मां प्यो जिहे जे किन्ने करोड़ां सिंघां दियां अरदासां, ये सब दियां अरदासां नूं क्रेडिट।